अपने तीन सूत्री मांगों को लेकर ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल के सदस्यों ने गुरुवार को बीएसएनएल कार्यालय के समक्ष 3 दिवसीय भूख हड़ताल जारी रखा। भूख हड़ताल का नेतृत्व एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश प्रताप मल ने किया। भूख हड़ताल पर बैठे सदस्यों का कहना था कि बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाए, पेंशन भागीदारी सुनिश्चित की जाए तथा थर्ड पे रिवीजन को लागू किया जाए। जिला सचिव ने कहा, भूख हड़ताल के तीसरे दिन तक किसी जिम्मेदार ने ध्यान नहीं दिया। हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो हमारा आंदोलन और उग्र होगा। भूख हड़ताल में आरपी शाही, बीपी विश्वकर्मा, राधेश्याम विश्वकर्मा, राम आश्रय, राजेश कुमार सिंह, राम लखन, के नाथ त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला सचिव बीएसएनएल राजेश कुमार सिंह ने कहा, राजेश कुमार सिंह, हम लोग का मांग है थर्ड पीआरसी के लिए हम लोग हैं। एक केंद्रीय आह्वान पे हम लोग का यह है और इसके लिए सरकार अनदेखी कर रही है, अदर कंपनियों को अदर विभागों को दे रही है, लेकिन हम लोग के साथ हिला हवाली कर रही है। इसके लिए हम लोग केंद्रित आह्वान पे हम लोग 3 दिन के लिए भूख हड़ताल हैं और आज हम लोग का 3रा दिन है। नहीं, अभी कोई आश्वासन नहीं मिला। हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसकी संदेश हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जाएगी और आप लोग के माध्यम से जाएगी, तो शायद हो सके कि उनके कान में जूरेंगे। तो अगर आप लोग का अभी हड़ताल चल रहा है, आगे की अगला कदम क्या होगा? अभी इस हमारे 3 दिन की हड़ताल से अगर हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंचती है और सरकार मेरी बात नहीं मानती है, तो फिर हम आगे इसके बाद और विस्तृत हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और 5 सितंबर को हम लोग दिल्ली में घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन वहाँ करेंगे।